स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू में। आज मैं आपको टॉप ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊंगी जो शुगर यानी डायबिटीज़ में लाभकारी हैं। आप उन ड्राई फ्रूट्स को आराम से खा सकते हो अगर शुगर नहीं है तो भी, क्योंकि यह ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यह अनेकानेक रोगों से हमें बचाते हैं और जिनकी डायबिटीज़ है वह भी बेफिक्र होकर इन्हें खा सकते हैं। आप यकीन मानिए, इनसे शुगर कंट्रोल होगी, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जिससे बीपी की समस्या भी कंट्रोल होगी, वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बस इतना ख्याल रखना है कि ड्राई फ्रूट्स को कब लें, कैसे लें व कितनी मात्रा में लें, यह भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर के चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ड्राई फ्रूट्स है बादाम। बादाम इंसुलिन के उत्पादन को बेहतर कर उसे नियंत्रित करता है। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई आदि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बादाम का ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी GI 0 है, इसलिए शुगर में यह बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट्स है। यह रिच सोर्स ऑफ आयरन, जिंक व पोटेशियम है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बादाम HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसलिए यह हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है व माइंड व स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सेकेंड ड्राई फ्रूट्स है अखरोट। इसका GI है 15। अखरोट में सभी नट्स से अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई, विटामिन बी और मिनरल्स होते हैं। इससे भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। यह ब्रेन के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। थर्ड है अंजीर। अंजीर का GI हाई है यानी 55 है, लेकिन यह शुगर में आराम से बेफिक्र होकर आप खा सकते हैं क्योंकि यह लो सोडियम है। इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम, विटामिन B6, कैल्शियम व पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। यह फाइबर रिच ड्राई फ्रूट्स है। इससे कब्ज की समस्या भी दूर होती है। इससे BP कंट्रोल रखने में भी हेल्प मिलती है। थर्ड ड्राई फ्रूट्स है मूंगफली। मूंगफली लगभग बादाम के बराबर ही होती है। इसका GI है 14। मूंगफली में 30 से अधिक विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं और मुख्य बात इसमें प्रोटीन बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह हार्ट व शुगर में बहुत ही अच्छा है। फिफ्थ है पिस्ता। पिस्ता का GI है 18। अगेन यह कोलेस्ट्रॉल व सोडियम फ्री है, इसलिए यह ब्लड प्रेशर व शुगर के लिए फायदेमंद है। यह HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। पिस्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं व फाइबर भी होता है। तो यह हो गए 5 टॉप ड्राई फ्रूट्स। अब इनको कितना व कैसे खाना है यह भी देख लीजिए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स के सभी गुण लेना चाहते हो तो प्लीज़ इनको रात को पानी में भिगोकर सुबह खाएं। मात्रा कितनी लें तो 5 से 7 बादाम, 1 अखरोट, 1 अंजीर, 10 से 15 मूंगफली के दाने व 3 से 4 पिस्ता आप एक दिन में खा सकते हैं। डेली इस प्रकार लेने से शुगर व BP कंट्रोल होते हैं। ड्राई फ्रूट्स का उपयोग हमें बहुत से रोगों से बचाता है, स्किन को भी हेल्दी रखते हैं, बाल व आँखों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, BP शुगर में लाभकारी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सफल बनें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।